The internet is full of bro science fake knowledge, half-information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello and welcome. This is Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. So friends, today we will talk about snoring and we will explain you many important जानकारी कई सारे लोग हमारे जो है ना लेते हैं कभी हमारे घर वाले कभी हमारी घरवाली और कभी घर वाले कुछ लोग परेशान हो सकते हैं तो इसके बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं स्नोरिंग के स्नोरिंग कब होती है क्यों होती है कैसे होती है अगर समझना चाहते हैं तो जरूर इसे एंड तक देखें और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसको हंड्रेड वेरीफाइड जानकारी ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी हर एक टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप जाके सर्च सेक्शन पे सर्च कर सकते हैं जानकारी के वीडियो आपको मिल जाएगी स्नोरिंग की बात कर रहे हैं <coughs> स्नोरिंग यानी कि खर्राटे वाली साउंड आवाज क्यों आती है ऐसी आवाज आने के लिए आपके शरीर में जो हवा जाती है यानी कि लंग्स में अल्टीमेटली आपके नाक और मुंह के थ्रू वो अगर आराम से नहीं जा पाए आपके मुंह या नाक से और हवा को फोर्स खुली जाना पड़े ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया में किसी मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यू की वजह से या नाक के अंदर सॉफ्ट टिश्यू की वजह से कोई थ्रोट में कोई बम्प की वजह से कोई टर्बनेट हाइपोट्रोफी की वजह से किसी भी वजह से अगर रास्ता छोटा हो जाए और वहां पर हवा की वजह से वो जो टिश्यूज हैं वाइब्रेशन करें ऐसे

हो सकता है कि OSA, OSA एक खतरनाक बीमारी है जिसके वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है लंबे समय में में वो OSA वाले वीडियो में देखेंगे उस दिन भर नींद आती रहती है हैवी मशीनरीज या किसी गाड़ी को ड्राइव करते हुए उनकी आंख लग सकती है फ्क ठोक सकते हैं इट्स अ डिजीज इट्स अ प्रॉब्लम राइट सो कई सारे ऑपरेशन अवेलेबल हैं या कई सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं अगर आप स्नोरिंग को रोकना चाहते हैं उन सबके बारे में आज बात करेंगे पहले समझ लेते हैं स्नोरिंग होगी किसमें किसको होगी किसी ना सभी को टाइम टू टाइम स्नोरिंग होती है बच्चों में भी बुढ़ों में भी एडल्ट में भी और कुछ लोगों की रिस्क ज्यादा होते हैं स्नोरिंग का रिस्क आपके पहला है उम्र एज अगर आपकी ज्यादा होती है तो अः मसल स्नोरिंग ज्यादा होने लगती है बिकॉज अल्टीमेटली मसल्स आपके टोन डिक्रीज हो जाता है उम्र के साथ और एयरवेज जो होते हैं सांस की नलियां कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उम्र के साथ कई लोग स्नोर करने लगते हैं दारू पीने वाले सिडेटिव लेने वाले नींद की दवाइयां लेने वाले लोगों की भी मसल ज्यादा रिलैक्स हो सकती हैं और वो मसल्स में आपके टंग की मसल्स गिर सकती है पीछे की तरफ सोते हुए तो सीधा सोते हुए स्नोरिंग ऐसे आ सकती है तो दारू पीने वालों की मसल्स रिलैक्स होने की वजह से जो एयरवे है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकता है और स्नोरिंग हो सकती है रिस्ट्रिक्टिंग एयरवे नोज और थ्रोट का का एनाटॉमिकली मतलब है कि कुदरती तौर पे अगर आपके मुंह के अंदर लंग के अंदर सांस की नली में जाने वाला रास्ता कहीं से बहुत ही संकीर्ण है संक्रीण का मतलब है छोटू है यानी छोटा है तो यानी कि या फिर एडीनोइड्स बड़े हुए हैं या फिर मान लो रस्ते में आपके टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं लंग टंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है कोई नाक की नली टेढ़ी है ना कि बीच की हड्डी जो डेविएटेड नेजल सेप्टम टेढ़ा है ऐसे चीज ऐसे केसेस में भी आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है बहरहाल अगर ऐसा है तो ईएनटी e डॉक्टर को दिखाएं इसके अलावा जेंडर में मेल्स में स्नोरिंग ज्यादा कॉमन है मर्दों में फैमिली हिस्ट्री भी चलती है स्नोरिंग की जो इसमें आपके ओवरऑल फैमिली में अगर है तो आपको भी होने के ओवरऑल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है अगर आपके नेजल स्टफीनेस है बिकॉज ऑफ किसी प्रकार की आपको एलर्जी है कोल्ड है कॉमन कोल्ड है या वायरल इन्फेक्शन है तो आपकी स्नोरिंग हो सकती है कोरोना जैसे ओमिक्रॉन जैसे वायरल इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड वाले इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंट वुमेन जो है इनको स्नोरिंग ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं और वेट गेन होता है और वेट गेन अगर आपका वैसे भी हो जाए तो आपकी स्नोरिंग बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द वेट गेन जिससे स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिजॉर्डर भी क्या है

ये बड़े या टंग बड़ी बड़ी हो गई ये इतनी बड़ी टंग किसी की टंग इतनी बड़ी हो गई मोटी मोटी टंग हो ये सॉफ्ट पहले किसी का ढीला हो गया यहाँ पे ऐसे पीछे पलटी मार रहा है तो अलॉट ऑफ थिंग्स कैन कॉज वाइब्रेशन तो याद रखें स्नोरिंग इज बिकॉज ऑफ दिस अब कई सारे कंडीशन हैं कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एयरवे को ब्लॉक कर सकते हैं हमने बात करें अल्कोहल सेडेटिव जो मसल रिलैक्स करते हैं सॉफ्ट टिश्यू बल्कि है टंग एक्सेसिव फैट है जिससे वजह से ये है प्रेगनेंसी के हार्मोन है जिसके वजह से ये दिक्कत हो सकती है इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज है जैसे एलर्जी और इन्फेक्शन मसल टोन कम हो रही है नेजल कंजेशन है फ्लू एलर्जी है ये सारी चीजों को हमने ऑलरेडी देखा अब बात करें सिम्टम्स क्या होंगे स्नोरिंग के आपको वाइब्रेशन साउंड आ रहा है विस्लिंग आ रहा है किसी किसी को लाउड ग्रंपिंग किसी किसी को ये साउंड आपको पता ही है ये आ सकता है सिंपल आ सकता है सिंपल आ सकता है ऑफ तो कुछ लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो स्नोर करते हैं कुछ लोग को बोलेगा नहीं मैं स्नोर नहीं करता वीडियो निकाल के प्रूफ दो ऐसे प्रूफ देना पड़ता है कई बार और कुछ लोगों के ड्राई सोर थ्रोट भी हो सकता है स्नोरिंग की वजह से कि भाई गले में कुछ दिक्कत होती है फिर हम स्नोरिंग तो नहीं करते कहीं कोई वहां पर प्रॉब्लम तो नहीं है फिर फिजिकल चेकअप के लिए एन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इसके अलावा अगर स्नोरिंग ज्यादा है इट कैन कॉज लैक ऑफ स्लीप नींद में प्रॉब्लम आ सकती है अल्टीमेटली आपके सर में दर्द हो सकता है आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपका मूड खराब हो सकता है आपका स्नोरिंग के अलावा अगर आपके ये ओ वाले सिम्टम्स हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले सिम्टम्स में गैसपिंग हो सकती है आपको एयर की यानी कि बार बार सांस सांस लेते हुए रात को रुकती है कुछ सेकंड के लिए और आप एकदम से जागते हो पता नहीं चलता आपको लेकिन जागते हो ये आपके पार्टनर बताते हुए क्या हो गया तुमको ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है ये ये हमारा स्लीप स्टडी से पता चलता है स्लीप स्टडी कराओ तब पता चलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं अगर आप करते हो स्नोरिंग ब्रेन वेव की एक्टिविटी चेक होती है स्लीप स्टडी में उसमें क्या क्या होता है आपका ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाता है कि आप आ, कितने पीरियड्स के हिसाब से आप ब्रीदिंग कर रहे हो कहीं ब्रीदिंग रुक तो नहीं रही कहीं गैस तो नहीं आ रहा अगर हो रहा है ऐसा तो क्या आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं क्या आपके हार्ट रेट अब बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है आपके स्लीप के दौरान मूवमेंट आर्म लेग मूवमेंट टॉसिंग टर्निंग कितना घूम फिर रहे हो क्या हो रहा है ये स्लीप साइकिल्स और स्नोरिंग ये देखे जाते हैं स्लीप साइकिल्स को हम डिफरेंट वीडियो में अलग से कंपेयर देखेंगे तो उसमें थ्री आ, तीन पार्ट है हमारे नॉन आर स्लीप का और एक है आरईएम स्लीप साइकिल्स क्या होती है हम देखेंगे अगले एक पार्ट में ओके okay. अब हो गया आपको स्नोरिंग तो क्या करें भाई है हमें स्नोरिंग तो स्नोरिंग है उसके रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या है सबसे पहला ट्रीटमेंट है आपको अपना पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा अपना पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा या जब आप सो रहे हो तब आप अपने एयरवे को खुला रखो कैसे खुला रखोगे भाई नंबर एक तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस लाइफस्टाइल चेंजेस में दारू नहीं पीना दारू से और सेकंड स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करो मतलब लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना है कैसे सोना है लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेफ्ट लैटरल लेफ्ट लैटरल पोजिशन में सोना है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन टू स्लीप इन फॉर दिस लैटरल पोजिशन ठीक है और हेल्दी वेट मेंटेन करिए वजन कम करिए और मेडिकेशन की बात करें तो कोल्ड एंड एलर्जी की मेडिसिन कई बार नेजल कंजेशन को uh, आराम दिलाती है अगर उसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम आराम आ जाएगा दिस कैन हेल्प यू यू नो ब्रीद फ्रीली नेजल स्ट्रिप्स आती हैं कुछ जो फ्लेक्सी बैंड्स होती हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द नोज आप लगा सकते हो जिससे नेजल पैसेज ओपन रहता है ये भी एक कॉन्सेप्ट है नया मगर ये ज्यादा यूज नहीं होता ओरल आते हैं जिनके वजह से आप जब आप सो रहे, हैं, तो आपके को एक रहे हैं जिससे के सके। इन सब के बारे में गार्ड भी दे सकते हैं बट ये कौन से पेशेंट में कौन सी रीजन है स्नोरिंग की जो हमने देखा था कि इतने सारे रीजन है उसमें से कौन सा रीजन है आपके केस में उस पर डिपेंड करेगा इनमें से कौन सा सोल्यूशन आपके लिए बेटर होगा माउथ गार्ड और या फिर अगर कोई होता है और अल्टीमेटली अगर आपको ओ है तो आपको CPAP की मशीन भी यूज करनी पड़ सकती है CPAP की मशीन एक मशीन मशीन एक होती है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वो मशीन आपको लगानी ओ एस ए वाले पेशेंट बड़ी महंगी आती है इसको फिर आप रेंट पे ले सकते हो सर्जिकल ऑप्शंस क्या है स्नोरिंग के स्नोरिंग में अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो सर्जरी से आप जो भी एक्सेस टिश्यू है जो भी बड़ा है टॉन्सिल है एडीनॉइड है कोई और चीज है जो बड़ी हो रही है उसको छोटे कर सकते उसमें कुछ मिनिमली प्रोसीजर्स हैं कुछ छोटे इंसीजन से हो सकता है कुछ में आप सेम डे में घर चले जाओगे कौन कौन से ऑपरेशन है एक तो होता है यूविलो पैलेटोप्लास्टी प्लास्टिक यूवलो पैलेटोप्लास्टी में आपके यूविला यानी कि ये वाले पार्ट यूविलो इन पार्ट की ऑपरेशन दोनों की so, यूविलो पैलेटो प्लास्टी में आपका क्या क्या चेंज किया उन्होंने क्या क्या किया रिड्यूस द टिश्यू इन द सॉफ्ट पैलेट एंड इम्प्रूव एयर फ्लो रेडियो फ्रिक्वेंसी इसको सोम सोमनोप्लास्टी कहते हैं इससे आपके सॉफ्ट पैलेज और टंग एक्स्ट्रा टिश्यू है तो उसको कम किया जा सकता है सेप्टोप्लास्टी नाक की हड्डी की टेढ़ी है तो उसको ठीक करने को बोला जाता है सेप्टोप्लास्टी उसको रिशेप करा जा सकता है नाक के अंदर कोई एक गड्ढा छोटा है उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है कार्टिलेज और बोन दोनों को चेंज किया जा सकता है टॉन्सिल्स या आइडीनोइड्स बड़े हैं तो टॉन्सिल्स या आइडीनॉइड दोनों को निकाला जा सकता है टॉन्सिल एक्टोमिकॉइड सर्जन आपके निकाल के इसको हटा देगा इससे क्या होगा परमानेंट सोलूशन हो जाएगा आपके स्नोविंग आप कैसे बंद कर सकते हैं स्नोरिंग सबसे पहले तो भैया लाइफस्टाइल डाइट और डेली एक्टिविटी चेंज करो आप अपने डॉक्टर से बात करो कि आपके केस में क्या इंपॉर्टेंट कारण है क्या नेजल कंजेशन डी कंजेशन लेने से फायदा होगा दारू पीते हो तो बंद करो नींद की गोली बंद करो वजन कम करो एक्टिव रहो एक्सरसाइज करो अपने बेड का हेड ए थोड़ा एंड बढ़ा दो हेड एंड थोड़ा बढ़ा दो और लेफ्ट लेटरल पोजिशन में एंगल पर चेंज करो एयर इंप्रूव हो जाएगा एयर वे स्लीप ऑन योर साइड लेफ्ट लेटरल नॉट ऑन योर बैक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आ, स्नोर रिड्यूसिंग पिलो भी आता है जो आप सर्च कर सकते हो वो भी आप ट्राई कर सकते हो ऐसे टेक्निक से फायदा नहीं हो रहा है तो कराइए स्लीप स्टडी और अगर आप नहीं कुछ करते नहीं करता मैं जाओ क्या कर लोगे तुम तो? हम क्या करेंगे भाई तुम्हारा तो प्रॉब्लम होगा तुम नहीं करते हो तो क्या होगा अगर स्लीप आपका प्रॉब्लम कर रही है नींद में प्रॉब्लम कर रही है आपको खराटे आते हैं आप मानते नहीं आपको वीडियो दिखा दिया आप मानते नहीं आपको कुछ भी कर दिया आप मानते नहीं नॉर्मली तो हार्मलेस है मगर अगर वो आपकी नींद

बहुत सारे वीडियोस हमारे पास देखते रहेंगे तो डॉक्टर के पास कब जाना है अगर आप स्नोरिंग करते हैं और आपको लग रहा है कि आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते अगर आपको लग रहा है आप पूरे दिन में थके थके रहते हैं अगर आपको लग रहा है कि बच्चा है और वो स्नोरिंग कर रहा है अगर आपको लग रहा है कि वो नींद पूरी नहीं हो पा रही अगर आपको लग रहा है बिहेवियर चेंज हो रहा है बच्चे का या कोई फोकस चेंज हो रहा है बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो उसका चेकअप कराओ ऐसे में स्लीप स्टडी की जाएगी और बताया जाएगा क्या हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए कंसल्ट करने के लिए रहा व्हाट्सएप नंबर ये रही वेबसाइट और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नहीं किया है तो और लाइक का बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ये नया पैटर्न हमने लिया है धन्यवाद आपका देखने के लिए स्टे कनेक्टेड